उत्तराखंड राज्य में इन दिनों ना जाने कितने लोगों के हर दिन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबरें सामने आती है और राज्य पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी ये लापता लोग नहीं मिल पाते। लेकिन बीते कुछ समय में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जब उत्तराखंड पुलिस ने लापता लोगों के परिजनों के लिए एक मित्र पुलिस के रूप में कार्य किया और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए लोगों को उनके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया। इसी कड़ी में एक और खबर उद्धम सिंह नगर के दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां दिनेशपुर पुलिस ने सड़क पर भटकते बच्चे को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया। दरअसल ये बीते कुछ दिनों पहले दिनेशपुर पुलिस को सड़क पर एक बच्चा घूमता हुआ मिला। बच्चा काफी सहमा हुआ था और जब उससे पुलिस ने पूछताछ करी तो अपना पता ढंग से नहीं बता पा रहा था, लेकिन बच्चे ने अपने घर वालों से मिलने की होड़ लगा रखी थी। मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने बच्चे से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे उसके परिजनों के बारे में जानकारी एकत्रित की। लापता बच्चे के परिजनों का पता लगाकर उन तक सूचना पहुंचाई गई। बच्चे की सूचना मिलने के बाद उसके पिता सज्जाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि लापता बच्चा उन्हीं का बेटा है और उसका नाम हमजा है। बच्चे के परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बच्चे के मिलने के बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, साथ ही उन्होंने मित्र पुलिस का आभार भी व्यक्त किया।